the ocean runs to the Lord of hosts. Praise Adonai from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints, sing praise. Who is like him, the lion and the lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints, sing praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise and the saints sing praise. We praise you, Master. We praise you. We bow down before you, Lord. We worship you, we adore you. Just take this time to worship. पहला योहन्ना अध्याय 5 वचन 4 और 5 पढ़ते हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। मसीह के बारे में कह रहे हैं, परमेश्वर से जन्मा है। उत्पत्ति का नियम क्या है? सब जो है बस अपने समान उत्पन्न करते जाता है। यदि सब अपने जैसे उत्पन्न करता है, कुत्ते कुत्ते को, बिल्ली बिल्ली को और हाथी हाथी को उत्पन्न करते जाता है, और फिर यह कहता है कि तुम तो परमेश्वर से उत्पन्न हो, इसका मतलब यह है कि आपको परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। आप तो स्वयं परमेश्वर के कोख से आए हैं, आप परमेश्वर के वचन के बीज में से आए हैं। जिस तरह से आपका जन्म हुआ है, जहां पिता ने बीज दिया है, आप मां की कोख से जन्म लिए हैं, उसी तरह से आप परमेश्वर से ही जन्मे हैं। अब यदि आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो आप परमेश्वर के वर्ग के हैं, क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है संसार पर जय पाता है। मुझे पसंद है ये तो कह रहा है, क्योंकि तुम इस वर्ग के हो, परमेश्वर के जैसे हो, परमेश्वर ने तुम्हें उत्पन्न किया और तुम परमेश्वर से जन्मे हो, तो तुम जयवंत हो। आप तो उसी वर्ग के हैं, आप जयवंत होने वाले हैं। बस इसी बात से, इस सच्चाई से कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं, आप हार नहीं सकते हैं और कुछ भी नहीं हो सकते, बस आप जयवंत ही हो सकते हैं। आप जयवंत हैं। सब लोग कहें मैं जयवंत हूं। यदि आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो आप जयवंत हैं। कितने लोग परमेश्वर से जन्मे हैं, नया जन्म पाए हुए हैं? यदि नया जन्म पाया है तो बाइबल कहती है आप परमेश्वर के वर्ग के हैं,
उत्पत्ति का नियम ये कहता है कि सब कुछ अपने जैसे उत्पन्न करता है, इसलिए परमेश्वर ने आपको अपने ही वर्ग के जैसे बनाया है। आप परमेश्वर के वचन के बीज से जन्मे हैं, परमेश्वर के वचन का वो अविनाशी बीज। जबकि आप उस बीज से जन्मे हैं तो आप तो जयवंत हैं, आप हार नहीं सकते, विजयी होंगे। आप में ये योग्यता है, ये स्वभाव है और क्षमता है, और आपके अंदर में योग्यता है, ये आपको दी गई है नए जन्म के माध्यम से। ये आप में है, आप में वास करती है, और आप अपने जीवन में जयवंत होंगे क्योंकि आप जयवंत व्यक्ति हैं। बस ये चित्र ले ले मेरे दोस्तों, क्योंकि जो भी परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता है, चाहे कोई भी, चाहे आप किसी भी वर्ग के क्यों ना हो। ये इस तरह से नहीं कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप गरीब हैं या फिर आप किसी और पृष्ठभूमि से आए, ऐसा नहीं है। जो भी परमेश्वर से जन्मा है, और देखिये इसलिए ये पहचान तो सफलता के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के लिए सफलता से जीना चाहते हैं तो इस पृथ्वी की पहचान आपको ऊपर नहीं रख सकती दोस्तों। ये पहचान कि आप मसीह यीशु में कौन है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है इस संसार में आपकी सफलता के लिए, और इसे आप कहीं नहीं पा सकते, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में या फिर आप जो भी जा रहे हैं वहां पर नहीं पा सकते। इसे पाने के लिए EFT में आना होगा, इसे पाने के लिए इसका प्रचार करने वाली किसी कलीसिया में जाना होगा, इसे बाइबल से प्रचार किया जाना चाहिए। ये आपको जयवंत बनाएगी केवल तब जब आप इस बात को जानेंगे कि आप अलग वर्ग के हैं, तो आप तो जयवंत व्यक्ति हैं क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। सब कुछ अपने जैसे उत्पन्न करते जाता है, परमेश्वर हारने वाला नहीं है और परमेश्वर जयवंत को उत्पन्न करता है, जयवंत होने वाले लोगों को उत्पन्न करता है। आमेन, यही तो सत्य है। अब इसे सुनिए, ठीक है, जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और ये विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास वो जरिया है जिससे हम जयवंत होते हैं। परमेश्वर ने विश्वास से संसार को बनाया, हम अपने विश्वास से जयवंत होते हैं, अधिकार करते हैं, और इस जीवन की परिस्थितियों के ऊपर में हम राज्य करते हैं। परमेश्वर अपने विश्वास से हर परिस्थिति पर विजयी होता है। वो अंधकार पर राज्य करता है, गड़बड़ी के ऊपर राज्य करता है, वो असमंजसता पर राज्य करता है, और वो राज्य करता है उस संसार पर जो कि बेडोल था, वहां पर सुनसान था, खाली था। उसने राज्य किया उस खालीपन पर, अंधकार पर, गड़बड़ी पर, किससे? विश्वास से। विश्वास से वहां पर ज्योति आई, विश्वास से वहां पर क्रम आया, विश्वास ने खालीपन को दूर किया और उससे अच्छी चीजों से भर दिया। हम ऐसे ही राज्य करते हैं, विश्वास से राज्य करते हैं जैसे परमेश्वर राज्य करता है। यानी जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ संसार पर जय पाता है, और संसार पर जो विजय पाती वो तो ये है, और वो क्या है? वो है हमारा विश्वास। संसार पर जय पाने वाला कौन है? अगर तुम में कोई संदेह तो फिर से पूछता, मुझे पसंद है। काफी समय से यीशु के साथ था, अब बूढ़ा हो गया, और यहां पर लिख रहा है, ये सब लिखता है जीवन के अंतिम समय में। कई साल तक उसने इसका प्रचार किया, इन बातों को देखा, इन बातों को समझा, इनका प्रकाशन पाता है, और वो लिखता है, लोगों को बताता है कि तुम तो जयवंत हो, ये न भूलना तुम परमेश्वर से जन्मे हो, हारने वाले नहीं, परमेश्वर के जैसे बनाए गए हो, सब कुछ अपने जैसे उत्पन्न करता है, परमेश्वर ने तुम्हें अपने जैसे ही बनाया है, और इसलिए तुम जयवंत हो। तुम्हारे अंदर जो विश्वास है वही तो है जिसके कारण तुम उठ खड़े होते हो, अपनी सारी परिस्थितियों के ऊपर में जयवंत होते हो। और वो कौन है जो जय पाता है? वो कहता है फिर से, जो विश्वास करता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? यही तो जयवंत होना है। ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि आपने नया जन्म पाया, और आप ही तो जयवंत हैं इस जीवन में। देखिए वचन 18, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, देखिए फिर से वही विषय है, सब अपने जैसे उत्पन्न करता है, यानी जो भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो उस वर्ग का है, परमेश्वर के वर्ग का है, पाप नहीं करता, ये कहता है। दूसरे शब्दों में वो आदतन पाप में जीवन नहीं जीता है। आप विश्वासी को नहीं देखते जो आदतन पाप में रहता है, पाप का आनंद उठाता है। यदि वो आदतन पाप में रहता है, उसका आनंद उठाता है, तो विश्वासी नहीं, नया जन्म नहीं पाया। यदि वो देखिए एक सच्चा विश्वासी है, और अगर वो पाप करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके लिए पाप करना किसी तरह से संभव नहीं है, यदि वो पाप करे किसी तरह से, तो फिर तुरंत ही उसके अंदर उसे खेद होगा, उसमें कायलता आएगी, वह आकर पश्चाताप करता है, क्षमा मांगता है, और यीशु के लहू के द्वारा वो शुद्ध किया जाता है और उसे सही किया जाता है, वो सही होता है, ये प्रयोजन है, ठीक है। विश्वासी ऐसा ही है, आप और मैं। हम शायद कई बार, हो सकता है जानबूझकर या अनजाने में, किसी गलत बात में जाएं, लेकिन हम ऐसे जीते नहीं हैं, हम ऐसे नहीं जी सकते हैं। हम जानते हैं कि हमने कुछ गलत किया, हम तुरंत परमेश्वर के पास में आते हैं, परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, और हम शुद्धिकरण में से जाते हैं, और हम ठीक हो जाते हैं। आमेन, ये इसी के बारे में कहता है।
हम अलग तरह के हैं। हम संसार जैसे नहीं हो सकते, वो आदतन पाप में जीते हैं। लोग पाप करते हैं और ज्यादा पाप करते हैं, कल के लिए पाप की योजना बनाते हैं, पाप के लिए पार्टी अरेंज करते हैं, पाप करने के लिए इकट्ठा होते हैं, पाप के लिए सारी चीजें खरीदते हैं, लोगों को पाप करने के लिए इकट्ठा करते हैं, अगले हफ्ते इसे करते हैं, हर शनिवार इसे करते हैं। हाँ, कहते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, और शनिवार की रात को बुखार आता है क्योंकि हर शनिवार और हर शुक्रवार आता है। देखिए, ये महसूसीकरण ऊपर आता है, वो जाते हैं पार्टी करते हैं और सब कुछ जो गलत है वो करते हैं, पाप करते हैं और इसके बारे में कुछ भी महसूस नहीं करते, जानते हैं। सोमवार की सुबह बस उन्हें थोड़ा हैंगओवर लगता है और फिर वो नहा धोकर काम पर चले जाते हैं और फिर सारे हफ्ते यानी सोम मंगल बुध गुरु शुक्र को राह देखते हैं बस शुक्रवार की, कि वो वापस जाकर फिर से पार्टी कर सके, फिर से पाप कर सके। वो आदतन पाप करते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, शायद हम यहाँ पर एक दो बार फिसल जाए, अगर सावधान न रहे तो हम फिसल सकते हैं। आप परमेश्वर के पास वापस आते हैं क्योंकि बुरा लगता है, उसमें आप बने नहीं रह सकते हैं, इसलिए आप परमेश्वर के पास में आके क्षमा मांगते हैं और सही संबंध करते, लेकिन आप आदतन पाप में जी नहीं सकते। ये इसी के बारे में कह रहा है। ये कहता है, हम जानते हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो अलग तरह का है, वो पाप नहीं करता है, वो तो आदतन पाप में जीता नहीं है, वो निरंतर पाप नहीं करते रहता है, या कहिए कि वो पाप का जीवन नहीं जीता है, क्योंकि वो अलग तरह का है, वो ऐसे नहीं जी सकता है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है, वो परमेश्वर से है, देखिए, क्योंकि वो परमेश्वर के जैसे है, वो परमेश्वर के जैसे उत्पन्न करता है, उसमें योग्यता है कि वो खुद को बचाए रखे उस पाप से, वो सब जो कि पाप में है, और वो दुष्ट उसे छू नहीं पाता। अब ठीक है, देखिए, हम यहां पर पहला यूहन्ना में बने रहेंगे। चलिए देखते हैं अध्याय चार में, पहला यूहन्ना अध्याय चार में, चलिए वचन 16 से पढ़ते हैं। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा कि हम प्रभु के वर्ग के हैं, छोटे ईश्वर हैं। आमेन। सब लोग कहें मैं परमेश्वर के वर्ग का हूं, छोटा ईश्वर हूं, परमेश्वर के जैसे ही। परमेश्वर ने मुझे बनाया है अपने स्वरूप में और अपनी समानता में, उसने मुझे बनाया है। ठीक है, वचन 16 और 17। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसे हम जान गए हैं, परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता और परमेश्वर उसमें बना रहता। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन ही आव हो, क्योंकि, अब गौर से सुनिए, मैं यही बताना चाहता हूं, क्योंकि जैसे वो है वैसे इस संसार में हम भी हैं, जैसे वो है वैसे ही हम भी संसार में हैं। इसे कौन लिख रहा है? यूहन्ना लिख रहा है। किस समय से लिखता है? यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बाद में यीशु चला गया, वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है, कई साल बीत गए हैं, अब वो लिखता है। जैसे वो है, यहां पर जैसे वो है, ये शब्द जो है यीशु वर्तमान में अभी जिस दशा में है उसके बारे में हमें बताता है। इसे लिखने के समय में जैसे वो है, मतलब जब ये कहता है जैसे यीशु अभी इस समय है वैसे, वैसे हम इस संसार में हैं। अब इसे आपको सही तरीके से समझना होगा। जैसे वो है वैसे ही हम हैं, वो अभी जो भी है हम बिल्कुल वही हैं। यूहन्ना जब ये लिख रहा था वो जैसे ही था वैसे ही, वो उस समय सब लोग थे, इस संसार में विश्वासियों को लिखता है। अब इसके बारे में बहुत से लोग गलत समझते हैं, क्योंकि लोग तो इस बात को नहीं समझे हैं कि यीशु सबसे पहले कैसा है। कहता है जैसे वो है, अब देखिए ये क्या है, यीशु कैसा है? कुछ लोगों के लिए वो अभी भी बालक ही है, चरनी में एक छोटा बालक, वो बस इतना ही जानते हैं। क्रिसमस का समय आ रहा है तो हमें सब कुछ सही दृष्टिकोण में रखना है। कई बार जो क्रिसमस है वो कई बार बड़ा अजीब सा समय होता है। ये अच्छा है, क्रिसमस के बारे में बहुत सी बातें मुझे पसंद है, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें जो मुझे इसके बारे में पसंद नहीं, क्योंकि यहीं पर तो लोग कहना शुरू करते हैं कि यीशु कैसे गरीब था। ये तो गलत घोषणा करने के बारे में समय होता है। अब जगत के उद्धारकर्ता को देखिए, परमेश्वर का पुत्र जो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, और इस पूरे क्रिसमस के समय में वो जानबूझकर इस बारे में कहते हैं कि यीशु कितना गरीब था। अब मैं इस बात को नहीं समझता हूं, जानते हैं, उसे गरीब बनाने से हमें क्या मिलेगा? देखिए, वो इस संसार में गरीब रूप में जन्मा, वो किसी को नहीं बचा सकता था, लेकिन हमारी गरीबी को उसने क्रूस के ऊपर में उठा लिया, वो हमारी गरीबी के लिए जवाब ला सकता है।
क्रूस पर हमारे पापों को उठाने के द्वारा वो पापों से छुटकारा ला सकता है, लेकिन वो केवल गरीबी में जन्मा और वो गरीबी में जीवन जीते रहा, ये तो हमारी समस्या का कोई हल नहीं है। ये तो एक और गरीब आदमी हो गया, संसार में एक और बोझ। पहले से बहुत से गरीब लोग हैं, मुझे पता नहीं लोग इतना गरीब उसे क्यों बनाते हैं और उसके बारे में इतनी घोषणा क्यों करते हैं, लेकिन जबकि बात तो बस यही है, बहुत से लोगों के पास में यीशु के बारे में गलत धारणा है। और इसलिए मैं ये सब कुछ बता रहा हूं कि जैसे वो है, क्या हम जानते हैं कि वो कैसे है? क्या आप जानते हैं वो सच में कैसे है? वो अब वो छोटा यीशु नहीं है जो चरनी में छोटा सा बालक पैदा हुआ था, वो नहीं है। कुछ लोगों के लिए वो अभी भी चरनी में छोटे बालक जैसे हैं, वो उसकी वहीं पर आराधना करते हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए वो ऐसा यीशु है जो क्रूस को लेकर चलता है। वो इस यीशु को जानते हैं तो हर दिन जाकर उस यीशु को देखते हैं जो क्रूस उठाए लिए चलता है। ओ यीशु है, क्रूस उठाने वाले यीशु की आराधना करते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो वो ऐसा यीशु है जो क्रूस के ऊपर लटका है। अब इसके बारे में सोचिए, मैं तो बस असली होना चाहता हूं, क्योंकि जैसे वो है वैसे ही हम हैं। तो हमें ये देखना होगा, तो इसका मतलब क्या है जब ये कहता है जैसे वो है? क्या वो चरनी में बालक है? नहीं। क्या वो गोलगथा के मार्ग पर क्रूस लेकर चलने वाला है? नहीं। क्या अभी वो क्रूस पर लटका हुआ है जहां पर पूरा उसके शरीर से बस खून बहते जा रहा है? नहीं। कुछ लोगों के लिए वो कब्र में पड़ा यीशु है। कुछ लोगों के लिए ऐसा यीशु है जो कि जी उठा है। ये सब तो उस चित्र का एक भाग है, लेकिन जैसे वो है इसका मतलब है, और इसलिए हमने इफिसियों अध्याय 1 से शुरू किया था। वो कहता है हमारे पास में प्रकाशन समझ की आत्मा होनी चाहिए उसके ज्ञान में, कि हमारी आंखें, हमारी समझ की जो आंखें हैं वो ज्योतिर्मय हो जाएं। क्या जानने के लिए? क्यों हमें यहां पर समझ और बुद्धि की आत्मा यहां पर चाहिए? हमें क्या समझना है और हमें क्यों यहां पर ज्योति पानी चाहिए? कि हम इस बात को समझे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा क्या किया, उसकी मृत्यु और उसके जी उठने के द्वारा। केवल मृत्यु और जी उठने के द्वारा नहीं, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है। तो यीशु कहां पर है और वो कैसा है? क्योंकि वो जैसे है वैसे हम इस संसार में हैं। वो कहां है इस समय, उसकी दशा कहां है, वो कहां पर है और वो अभी किस दशा में है? मैं आपको बताऊं, वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। उसने उस विजय को प्राप्त करने के बाद में पाप के ऊपर में, मृत्यु के ऊपर, इस संसार के ऊपर, दुष्ट के ऊपर, शैतान के ऊपर में वो जीवित हो चुका है। वो फिर से जीवित हुआ है, परमेश्वर ने उसे जीवित किया है और वो पिता की ओर ऊपर उठाया गया है और वो पिता के दाहिनी ओर में बैठा है। और इफिसियों अध्याय 1:19 के अनुसार सारी प्रधानताएं, सामर्थ, अधिकार, शक्तियों के ऊपर में और हर एक नाम के ऊपर में जो नाम है और जो कुछ नाम दिए जाएंगे, वो इन सारी बातों से ऊपर है और इन सभी के ऊपर में प्रभु के रूप में बैठा है। ये वही तो यीशु है जिसके बारे में कहता हूं, यही तो यीशु मसीह है। जब यूहन्ना कहता है कि जैसे वो है, याद रखिए वो अभी जैसे है और वो तो पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, सारी चीजों के ऊपर बैठा है, सारी प्रधानताएं, सामर्थ, अधिकार, सारी चीजों के ऊपर है, सबसे बड़ा नाम उसे दिया गया है। ऐसी जगह पर वो बैठा हुआ है जहां पर सारा अधिकार और सारी सामर्थ तो उसे ही दी गई है। इसी तरह से वो बैठा है, यानी जैसे वो है इसका मतलब यही है, वैसे ही हम हैं इस संसार में। दूसरे शब्दों में अगर इस तरह से कहें तो आप समझेंगे, जैसे वो अभी इस समय स्वर्ग में है, वैसे ही हम इस पृथ्वी पर इस समय हैं। उसमें हम में यही फर्क है कि वो स्वर्ग में है और हम यहां पर हैं। अधिकार की जगह और स्तर की जगह, सामर्थ में हम सब एक हैं। हेलो, जैसे वो है, सब लोग कहें जैसे वो है, वैसे ही हम हैं इस संसार में। सबसे पहले कहे, जैसे वो है हम वैसे ही हैं। आप मन में जान ले, जैसे वो है वैसे ही हम हैं, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि ये कहता है परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया और उसे वहां पर सारी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ के ऊपर में रख दिया। और फिर अध्याय 2:6 में ये कहता है, उसने हमें भी जीवित किया और उसके साथ में एक साथ उठाया है और हमें उसके साथ में स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठाया भी है, मसीह यीशु के साथ में। और इसलिए केवल यीशु वहां पर सारी प्रधानता, अधिकार के ऊपर में बैठा नहीं है, लेकिन हम भी उसके साथ में सारी प्रधानता और अधिकारों के ऊपर में बैठे हैं उसके साथ। जैसे वो है हम वैसे हैं,
बात यह है कि हम यहाँ पर पृथ्वी पर हैं और वो वहाँ पर पिता की दाहिनी ओर बैठा है, यानी वो जैसे वहाँ है पिता के दाहिनी हाथ पर, वैसे हम हैं यहाँ पर इस संसार में। चाहे वो जो भी है, चाहे उसकी दशा या परिस्थिति जो भी है, वो जिस किसी दशा में है बिल्कुल वैसे ही दशा में अभी इस समय हम हैं। हम इस संसार में, वो वहां है हम यहां हैं, वो वहां है और हम यहां पर उसके प्रतिनिधि हैं। वो जो भी है हम यहां पर वही दर्शाते हैं। आमेन। सब लोग कहें जैसे वो है हम वैसे ही हैं इस संसार में, जैसे वो वहां है हम वैसे ही इस संसार में हैं। प्रभु की स्तुति। क्या ये रोमांचित नहीं करता है? हम कोई साधारण लोग नहीं है मेरे दोस्तों। हम ऐसे नहीं जो परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाए गए और फिर छोड़ दिए गए हो। जैसे वो है वैसे ही हम भी इस संसार में हैं। जो कुछ भी अधिकार और जो स्तर पर वो है, हम भी बिल्कुल वैसे ही यहां पर इस पृथ्वी पर हैं। तो चलिए और एक वचन यहां पर देखते हैं, अध्याय 3 वचन 1। देखो पिता ने हमसे कैसा कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। देखिए फिर से बस यही विषय है। विषय क्या है? सब कुछ बस अपने जैसे उत्पन्न करता है। परमेश्वर बस अपने जैसे उत्पन्न करता है। मनुष्य यही तो है, यानी वो पिता है और हम तो संतान हैं। और पिता ने हमें पुत्र कहा है। वो कहता है परमेश्वर के पिता को देखो क्योंकि उसने हमें संतान कहा है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसके बारे में कोई संदेह न हो, हम तो परमेश्वर की संतान हैं। हम इसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। कब परमेश्वर की संतान बने? जब हमने नया जन्म पाया। हम परमेश्वर से जन्मे हैं इसलिए हम परमेश्वर की संतान हो गए। ठीक है, फिर ये कहता है इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। संसार को इसे समझने में मुश्किल होती है, तो इसे चकित मत हो जाना अगर आप किसी से कहें परमेश्वर की संतान है और वो आप पर मारने के लिए उठा लें। वो इसे नहीं समझ सकते, इसके बारे में ज्योति नहीं है। आप परेशान ना हो कि आपका परिवार नहीं समझता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, कि परमेश्वर आपका पिता है। ये सब आप परेशान ना हो कि दूसरे लोग इसे नहीं समझते। मेरे लिए समस्या की बात यह है कि विश्वासी लोग इसे नहीं समझते हैं। नया जन पाए आत्मा से भरे विश्वासी नहीं जानते हैं कि हम लोग परमेश्वर की संतान हैं। वो सोचते हैं कि हम मिट्टी और कीड़े हैं। नहीं, बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि मैं जीवित होता उस समय में और यूहन्ना इसे लिखता तो मैं निश्चय पास्टर यूहन्ना के चर्च में जाता क्योंकि ये मुझे पसंद आता। उसने कभी उन्हें धूल मिट्टी कीड़े और बेकार नहीं कहा। उसने कहा कि प्रियो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम परमेश्वर की संतान हो। संसार इसे नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन तुम इसे जानते हो, अपने दिल में इसलिए चलते हो, जैसे तुम इस संसार में जीते हो, इस सच्चाई की सचेतता में तुम जीते हो कि तुम परमेश्वर की संतान हो। चाहे संसार इसे नहीं समझे, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन तुम जानो कि तुम परमेश्वर की संतान हो। संसार में जीते हुए जानो कि तुम परमेश्वर की संतान हो। Everybody, love angels forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is with us, forever.
His love endures forever. Here we go. His love endures forever. His love endures forever.